और इतना अद्भुतम भवन दिल्ली में बना हुआ था उनका, क्योंकि हस्तिनापुर वही है, अद्भुत था। इंद्रप्रस्थ जंगल को बनाया था, जल में थल थल में जल प्रतीत होता था। और इस प्रकार से दुर्योधन जब वहां पर गया तो जल को थल समझ करके उसके ऊपर जब चढ़ने लगा तो उसमें जब डूबने लगा तो द्रौपदी हंसी है, और उसी हंसी के कारण ही महाभारत के बीच का वहीं पर सूत्र प्राप्त होता है। विषमतम भगवान की दिव्यतम लीलाएं हैं। और फिर भगवान ने किस किस प्रकार से शिशुपाल का वध किया, दंतवक्र का वध किया, सारे दैत्यों के वधों की कथा है। इन सारी कथाओं को, राजा को मारने की, घटने की, बढ़ने की कथा से परीक्षित को विशेष कोई लेना देना था नहीं, इसलिए परीक्षित को उन कथाओं में ज्यादा अभिरुचि नहीं पैदा हुई। उन्होंने तो ये कहा कि महाराज अब एक ही दिन बचा है परीक्षित के जीवन में, इसलिए परीक्षित ने आग्रह किया है श्री शुकाचार्य जी से कि अब आप हमें भगवान की किसी साधक किसी सखा की कथा सुनाइए, वही भक्त की कथा सुनाइए। सा वाग या कश्युपुराणे करो चतकर्म करो मनच स्मरे वसंतम स्त्री जननेशु शनोति ततपुण्य कथा चक्र। वही आंखें आंखें हैं जिन आंखों के द्वारा गोविंद का ठाकुर जी का दर्शन किया जाए, वे ही कान कान हैं जिन कानों के द्वारा उनकी दिव्य मंगलमयी कथा को श्रवण किया जाए, वो ही बाणी बाणी है जिससे भगवत नाम संकीर्तन किया जाए। उनकी इस इच्छा को देख करके सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और फिर भगवान के निजी भक्त सुदामा के चरित्र का शुभारंभ करते हैं। कृष्ण श्याशी सखा कच ब्राह्मणों ब्रह्मवीत्तिमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री कृष्ण जी का कोई अपना सखा था, ब्राह्मण था, तो कहा क्या भगवान केवल ब्राह्मण को देते हैं? केवल ब्राह्मण ही नहीं था, उसमें कुछ और विशेषता थी। कृष्ण सखा कच्चे तो ब्राह्मणों, और कैसा ब्राह्मण था? बोले ब्रह्म विद्वान, जो ब्रह्म में जाना थी सब ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता हो, ईश्वर को जानता हो, जो ब्राह्मण होने के बावजूद भी केवल बिजनेस और नौकरी नहीं के बात को चक्कर में लगा हो तो थोड़ा सा ब्राह्मणा पैदा हो जाती है। इसलिए ब्राह्मण ब्रह्म विद्वान, सुदामा ब्राह्मण भी था, ब्रह्म को जानने वाला था। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के जो अर्थ हैं उनसे सर्वथा विरक्त था, इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे सबसे अलग था। प्रशांत आत्मा, सुदामा की जो आत्मा थी वो ठाकुर जी के चरणों में ठहरी हुई थी, इसलिए थोड़ी थोड़ी आपाधापी में किसी को उसमें दुख है। हमारी और आपकी स्थिति ये होती है कि थोड़ा सा किसी ने सम्मान कर दिया, फूल करके कुप्पा हो गए, थोड़ा सा पैसा मिल गया, दिखावा करने लगे। चुंत्र नदी भर चली तुराई, जस थोड़ी धन खर इतराई, थोड़ा धन आ गया तो दिखावा करने लगे, जरा अच्छी गाड़ी निकाल करके दिखाएं तब हम इस गाड़ी में चलते हैं, जरा कपड़े ऐसे ले जाते हैं। इसलिए कहते हैं इसमें दिखावा मत करो, जो है आप अपने आसान जीवन को जिए। इसलिए तो उसमें दिखावा श्रेयस्कर नहीं है, साव आ गया तस्वीते। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण जी को जब संदीपनी आश्रम में रथ में बैठा करके उनके सारथी लेकर के जा रहे थे, गोविंद ने अपनी दाई ओर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने सारथी से कहा रथ को रोको, जंगल में कोई रो रहा है। रथ रोका और वहां जाकर के देखा कि एक ब्राह्मण है, मस्तक पर भव्य भाल तिलक लगाए हुए है, यज्ञोपवीत सुशोभित हो रहा है, और उसके पास में वेद का ग्रंथ गोद में लिए हुए है, और उसके पांव में कांटा चुभ गया है। सो अत्यंत दुखित होकर के हे हरि कहकर के पुकार रहा था, गोविंद को नहीं पुकार रहा था, उसने क्या कहा, हे हरि। पर दुनिया के लोग नहीं जानते थे कि जो हरि है वही गोविंद है, और जो गोविंद है वही हरि है। भगवान श्याम सुंदर तो जानते हैं ना कि मेरा ही नाम पुकार रहा है और मैं यहाँ पर उपलब्ध हूँ। रथ को रोका, श्री कृष्ण और बलराम जंगल में बैठे हुए कांटे के दर्द से जो रो रहा था उस ब्राह्मण के पास, बालक के पास पहुंच गए, देखा उसके पांव में कांटा चुभा हुआ है, पर कांटा टूट गया था,
आप लोगों को कभी कांटा तो लगा नहीं होगा, कभी गांव में गए होंगे तो लगा होगा। हम लोगों ने गाय आए चराई है तो हमको मालूम है कि एक सड़ा हुआ कांटा होता था जो वर्षा खा लिया और फिर पड़ा हुआ है तो देखने में तो हट्टा कट्टा लगता है लेकिन जल्दी टूट जाता है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जो उसको खोलो दो तो वो फूटता रहता है, भूसी की तरह निकलता नहीं, बड़ा मुश्किल होता है उसको निकालना। महाराज गोविंद ने देखा कि इसको कांटा लगा हुआ है और कांटा निकालने की विधि क्या बताया गया शास्त्र में, बोले कंठ के नहीं हो कंटक कंटकम, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। गोविंद ने कहा कि एक तो कांटा इससे और लग पहले से लगा हुआ, एक और कांटा में चुभो तो इससे दर्द से कराएगा, क्योंकि ब्राह्मण मधुर प्रियम, ब्राह्मण अत्यंत सुकुमार होता है। गोविंद ने क्या किया कि उसके तलवे को उठाया जमीन पर बैठ गए। देखो वेद मंत्रों के द्वारा पंडित लोग मंत्रों का आह्वान करते हैं, पुष्प रखते हैं और कहते हैं आश्रम प्रतिग्रहण, और फिर भी भगवान नहीं आते, लेकिन इतने भक्तवत्सल भगवान है, इतने करुणा सागर भगवान है, इस सुदामा के पास में धूल दूषित भूमि पर ही मेरे गोविंद बैठ गए और सुदामा के चरण को उठा करके अपनी गोद में रख लिया। फिर उन्होंने उस जगह को साफ किया, बोले पकड़ में कैसे आए, तो उन्होंने दोनों उंगलियों से अपने कभी कांटा निकालने की ये भी विधि होती है, तो ये दोनों उंगलियों से जो कांटा जहां पर गद्दी में लगा हुआ था दोनों तरफ अंगूठे से उसको दबाया तो जो बीच का पार्ट था वो ऊपर उभर आया और उसमें कांटा दिखने लगा स्पष्ट। अब दोनों हाथ तो लगे हुए हैं, अब निकाले कैसे, तो मेरे करुणा प्रणालय भक्त वत्सल भक्त वांछा कलम तर मेरे गोविंद ने अपने अधरोष्टों को अपने होस्टों को सुदामा के धूल दूषित चरणों पर रख दिया तलवे पर और दांत से पकड़ करके कांटे को निकाला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कांटा निकल गया, दर्द तो कम होना चाहिए लेकिन सुदामा और भी अधिक होने लगे, तो गोविंद ने कहा कि रुद्र देवता ने तुम्हारे कांटे को निकाल दिया है, अब तुम क्यों रो रहे हो। सिस्कियां लेते हुए उसाते हुए रोते हुए सुदामा ने कहा मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूं, मेरे माता पिता नहीं है, गांव वालों ने कुछ आर्थिक सहयोग करके बताया है कि मैं उज्जैन में गुरुकुल में जाकर के पढ़ूं, मेरा ना कोई भाई है ना बहन, और मुझे गरीब को मित्र कौन बनाएगा, दुनिया की ऐसी परंपरा है जिस पर है वह वित्त वित्त मणि धन, जिस पर है वह वित्त उसी का मित्र आज संसार, जो निर्धन है आज उन्हीं का है सुना संसार, इसलिए मेरा कोई भी मित्र ना बना और ना मैंने किसी को बनाया। आज पहली बार आपको देख करके मेरे मन में ये उमंग उठ रही है कि मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया, कोई मित्र नहीं बनाया, क्या आप मेरे मित्र बन सकोगे, क्या स्वीकार करोगे इस गरीब ब्राह्मण की मित्रता को। गोविंद ने दोनों भुजाओं को उठा करके बढ़ा करके सुदामा को हृदय से बना लिया। हम ऐसे वैसे मित्र नहीं होंगे, जब भी मित्रता की कहानियां याद की जाएगी तो हमारी और आपकी मित्रता की कहानी को स्मरण किया जाएगा। श्याम सुंदर का रथ खड़ा था, सुदामा को भी उसमें बैठाया, यद्यपि सुदामा बोला मैं गरीब ब्राह्मण हूँ पैदल चलते हुए चला जाऊंगा, बोले नहीं देत लेत मन संक न धरई और बल अनुमान सदा हित करे। मित्र का कर्तव्य है कि कभी संकोच न करे, आवश्यकता आने पर अपने मित्र का सहयोग करना चाहिए और मित्र से सहयोग लेने में किसी भी प्रकार का संकोच करना भी नहीं चाहिए। आओ ये रथ खड़ा हुआ है वहीं पर जा रहे हैं, तुम जिस गुरुकुल में जा रहे हो ये संयोग की बात है, हम भी उसी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हमारी मैत्री अच्छी तरह से जम सके। अब उसके बाद में क्या था, महाराज सुदामा को रथ पर बैठा करके संदीपन के आश्रम में आए हैं। संदीपन जी महाराज उस दिन बड़े ही निराश थे, इसलिए निराश थे कि उनके गुरु जी उनसे कह करके गए थे कि ध्रुवतना निज विद्याम धीर धन्यो विवेकी गणपति शिव तुल्यो दीन बंधु कृपालु वितृति भौष्य व्यस्त नित्यम दुर्लभ्यो भयति नमति नित्यम तम गुरु साधु। जो शिक्षक जो आचार्य जो टीचर कभी शिष्यों में भेदभाव नहीं करते और अपने ज्ञान को छुपाते नहीं, वितृति भाव शिष्य व्यस्त नित्यम दुर्लभ्यो, चाहे जिस समय पढ़ने के लिए स्टूडेंट आ जाए, हम लोग अपने गुरु जी के पास में व्याकरण की कोई समस्या लेकर वो कहते थे रात को जरूर पढ़े तो रात को आ जाना, तो हम लोग सत्र में कभी कभी कोई बात याद आए इसमें एक के स्थान मिया कैसे हो गया ये कैसे होगा गया, तो महाराज रात को ही दरवाजा खटखटा गुरु जी खोल देते थे और रात को ही पुस्तक निकाल करके ये पुस्तक निकालना वो पुस्तक निकालना और समाधान। ऐसे जो गुरु होते हैं जो बगैर किसी भेदभाव के
अमीर और गरीब नहीं देखते। गुरु को कैसा होना चाहिए? सूर्य की तरह होना चाहिए। सूर्य जब उगता है तो सभी की झोपड़ियों पर प्रकाश डालता है। वो ये भी देखता है कि धनाढ्य का महल है या फिर ये गरीब की झोपड़ी है, शरीर पर समान रूप से। उसी तरह से जो लोग समान रूप से विद्या का प्रदान करते हैं। आज गुरु और रिश्ते का रिश्ता ही नहीं जानते लोग, गुरु और शिष्य होता क्या? कहते हो तो नौकर ही। कॉलेजों की स्थिति देखो, भारतवर्ष की जो नीति आती है उसमें 2-4 मिनट तो कॉलेजों की गुंडागर्दी किया था। स्थिति कोई मान सम्मान शिक्षक का है तो क्या अध्यात्म भूमि यहाँ पर? तो राम और कृष्ण भी गुरु के पाद पद्मों में बैठ करके विद्या को उपार्जन करते, वहां की स्थिति। तो इसी का कारण ये हो रहा है कि अध्यात्म धीरे धीरे हमारे स्कूलों से चला गया। अब रामायण गीता काम रहेगा कि गुरु एक भी पाठ नहीं। इसलिए मैं जो आपको बता रहा था, एक जगह पर क्या हुआ, एक जगह कोई जब पढ़ाई होती थी हम लोगों की तो मुआयना करने के लिए डिप्टी आते थे, इंस्पेक्टर की शिक्षा की क्वालिटी देखते थे कि स्कूल में सही पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। तो वो एक स्कूल में चले गए और एक क्लास लगी हुई थी, बताते नहीं थे, वो सीधे आकर के सीधे क्लास में घुस जाते थे कि पहले बताएं प्रिंसिपल को या टीचर को, नहीं सीधे घुसाए। और जब घुस आए तो उन्होंने टीचर को जो पढ़ा रहा था दिखाया आइडेंटिटी कि मैं परीक्षा ले लिया है एग्जाम, तो मैं इंस्पेक्टर को, अच्छा जी ठीक है। तो बोले क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन सी क्लास है? बोले 7वीं क्लास। क्या पढ़ा रहे हैं? कहा हिंदी। कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं? कहा सिया स्वयंवर। आपने पढ़ा दिया? बोले सर 3 बार पढ़ा चुके हैं, 4थी बार रिपीट करा रहे हैं। कहा बहुत अच्छा, मैं आई आस्क एनी क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी से पूछ सकता? बोले आप ले जाइए, आप आराम से पूछिए। तो उन्होंने एक तरह का खड़े हो, तुम्हारा नाम क्या है? कहा प्रवेश। क्या पढ़ रहे हो? कहा हिंदी पढ़ रहे हो। पाठ का नाम क्या है? कहा सिया स्वयंवर। कहा तो पढ़ लिया तुमने? हाँ सर 3 बार पढ़ चुके हैं, 4थी बार पढ़ लिया। प्रश्न पूछू? बोले जी सर जी पूछिए। बताओ धनुष किसने तोड़ा था? लड़का कांपते हुए स्टूडेंट ने उत्तर दिया कि सर मैंने धनुष नहीं तोड़ा। मैंने धनुष नहीं तोड़ा। जब उसने उत्तर दिया तो वो इंस्पेक्टर ने जो देखने के लिए आया था उसने शिक्षक की ओर मुखातिब हुआ, देखा, कहा आपने प्रश्न का उत्तर सुना? बोले हाँ सर सुनो। क्या जवाब है आपके इसके प्रश्न के उत्तर पर? बोले सर क्लास में सबसे ज्यादा उद्दंड यही है, अगर धनुष टूटा है तो इसी ने तोड़ा होगा, दूसरा कोई तोड़ नहीं सकता। हो गया काम। उन्होंने सोचा चलते चलते सौभाग्यशाली प्रिंसिपल से भी मिलते चले। प्रिंसिपल साहब के पास गए तो प्रिंसिपल साहब ने कहा आइए सर बैठिए चाय पानी। बोले वो तो सब ठीक है। उन्होंने स्थिति बताई कि मैंने बच्चे से पूछा धनुष किसने तोड़ा, तो बच्चा कहता मैंने नहीं तोड़ा। शिक्षक से पूछा तो कहता है सबसे ज्यादा क्लास में वही है, अगर तोड़ा टूटा होगा तो उसने तोड़ा होगा। आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपका क्या जवाब है? बोले सर जहाँ 2,500 विद्यार्थी रहते हैं स्टूडेंट पर थोड़ी बहुत टूट फूट तो होती रहती है, हमको सबसे संभालू में सरकारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति हमारी आपकी, हम सोल्यूशन से जुड़ाने की उसकी व्यवस्था कर देंगे, आप निश्चित रहिए। ये स्थिति भले ही दृष्टांत के रूप में आपको बताई गई हो, शायद ये घटना कहीं ना घटी होगी कि प्रिंसिपल भी न जानता हो, शिक्षक भी न जानता हो। दृष्टांत किसी चीज को बड़े एंगल से दिखाने का प्रयत्न करती, आगे भविष्य की यही स्थिति आपके सामने आने वाली है। अगर आप अपने बच्चों को खुद रामायण और भागवत के बारे में नहीं बताएंगे तो ध्यान रखिएगा। इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है महाराज, आज संदीपन जी को ये आशीर्वाद दिया था उनके गुरु ने कि देखना संदीपन एक दिन तुम्हारे स्कूल में खुद भगवान आएंगे पढ़ने के लिए। बड़े उदास होकर के क्षिप्रा नदी के किनारे आंखों के आंसू को टप टप करके नील में गिरा रहे थे उनकी धर्म पत्नी आई। कहा आप आज इतने उदास क्यों दिखलाई पड़ रहे हो? कहा मेरे गुरु ने कहा था एक दिन भगवान आएंगे, अब मेरा बुढ़ापा आ गया, अब क्या आएगा। अभी वो बात कर ही रहे थे तभी तक उनको सामने से अत्यंत दैवीप्यमान चमचमाते हुए 3 सत्पुरुष आते हुए दिखलाई पड़े। उनका लगता है आपकी अभिप्सा पूर्ण हो रही हो, श्री कृष्ण और बलराम और साथ साथ में सुदामा भी आया है। सुदामा ये क्या है? 2 सुपर्णम सहजम सखायम समानम वृक्षम परिकर सुजाति, वो
कृष्ण कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों मित्र हैं, जो हमारी आत्मा है और परमात्मा ये दोनों मित्र हैं। तो परमात्मा में हम में अंतर क्यों है इतना? इसलिए अंतर है कि एक वृक्ष की डाल पर, एक डाल पर जीवात्मा बैठा हुआ है, एक पर परमात्मा बैठा हुआ है, और उसके नीचे बहेली आता है उस वृक्ष के नीचे, और वो जाल बिछाता है और दाना डालता है। जो पक्षी अपने जीव पर कंट्रोल नहीं कर पाता, उन दानों को चुगने के लिए जमीन पर उतर जाता है, वही बहेलिया के द्वारा पकड़ लिया जाता है और पिंडले में पहुंच जाता है। और जो अपने जीव पर कंट्रोल कर लेता है, वो रस गगन गिरा में अजर है, वही ईश्वर है। ईश्वर और परमात्मा में एक मुक्त है और एक बद्ध है। जीवात्मा बद्ध प्राणी है और परमात्मा मुक्त है, यही अंतर है।